अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आज? आज मैं बोरा फूड फेस्टिवल में आई हूँ। वैसे तो मैं खुद भी बोरी हूँ, बट आपको मेरे लुक से लग नहीं रहा होगा। और फर्स्टली मैं आई हूँ मुफद्दल केटरिंग, यू हैव मस्ट ट्राई। आप वन सेकेंड आए और ट्राई कीजिए मुफद्दल केटरिंग। थैंक यू। हमारी कोई भी चीज़ ट्राई करें, पसंद नहीं आया पैसे नहीं लूँगा। सर बोरा फ्राइड चिकन है मेरे पास, मेरे पास गाखर है सर, इसको गाखर कहते हैं। खर गा माने आटा, खर माने सख्त। अस्सलाम वालेकुम तमिलो का बदा आओ, अपना बोरा फेस्टिवल चली रही छे बदा कराची ने फुल फेस्टिवल तमालो का ने जे बाबा दामो छे तमिलो का आओ 24 25 26 काले लास्ट डे छे तुम्हारे ऑफिसत करो हमें लोग का ने आवी ने फुल फेस्टिवल ना अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर हारून, हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमारा सफ़र पहुंचा है बोरा फूड फेस्टिवल में। भाई बोरा फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, 3 दिन के लिए लगा हुआ है कराची में, दी नॉर्थ वॉक पे। आप ये देख रहे हैं डॉलमेन मेरे सामने, इधर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लगा हुआ है बोरा फूड फेस्टिवल। बोरी कम्युनिटी के भाई ज़बरदस्त से खाने होते हैं, यकीनन आपको इस चीज़ का इल्म होगा। अगर नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके कैसे कैसे टेस्ट हैं, कैसे जायके हैं, और इनकी अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें क्या क्या हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि भाई फैमिली के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, और साथ में जो ये कॉरिडोर पूरा, जो ये वॉक का डिस्टेंस जो है, इसमें आप यहाँ पर आगे घूम सकते हैं। पीछे मेरे बच्चों के जंपिंग वगैरह ये लगी हुई है, इनके लिए बच्चों के गेम्स हैं, तो ये बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है फैमिली के लिए, तो भाई ज़बरदस्त होने वाला है। तो चले आए फिर चलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर सारे फूड के स्टॉल लगे हुए हैं रूफ पर, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो आए हम आज बोरा फूड फेस्टिवल का सीन ऑन करते हैं। बोरा फूड फेस्टिवल में अभी मौजूद हैं, लेकिन माशाल्लाह से आपको रश यहाँ पर दिख रहा होगा, हर स्टॉल पे एक अलग ही रश नज़र आ रहा है। आपको साथ साथ मैं अभी आगे लेके चलता हूँ और बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाता हूँ। तो हम क्या ट्राई करते हैं ये तो थोड़ा आगे चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर गाइस नॉर्थ वार्क में आपको पता है बोरा फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, ये 3 दिन का फेस्टिवल है, बड़ा ज़बरदस्त है। इनके पास खाने पीने की चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, और ख़ुद बोरी लोगों के आपको पता है इनकी कम्युनिटी के आइटम्स बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं। तो आएँ कुछ ट्राई भी करते हैं साथ में। और ये जो रश है काफ़ी, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वीडियो में, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन आप माइंड नहीं कीजिएगा। चले आएँ फिर, थोड़ा आगे चले मेरे साथ। आओ साथ में, इन्होंने ये अचार ऐड कर दिया, ये रायता है, ये होममेड रायता है, ये पूरा और प्योर। तो ये मिर्च भी साथ में, अच्छा ये क्या साथ में शीरा है ये मिर्च? नहीं ये जो मिर्च का जो मसाला होता है ना, जो उसका बोला वो उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिर्च ऐड हो गई है। चलो भाई ट्राई करते हैं जरा। अरे अरे नासिर भाई आते के साथ ही यार, तुम डायरेक्ट कैमरा लेकर ही आ गए। तो भाई बोरा फूड फेस्टिवल में जब आए हुए हैं तो इनके बोरियों के दाल चावल जो हैदराबादी स्टाइल में इन्होंने बनाए हुए हैं वो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार दाल चावल हर किसी के फेवरेट होते हैं, साथ में ये अचार और मिर्च। आ हा हा हा, लिखाओ भाई हैं किसके ये मुफद्दल, मुफद्दल कैटर्स हैं, और स्पेशल इनके दाल चावल ज़बरदस्त हो रहे हैं भाई। भाई ये मिर्च, मिर्च जो है ना, मिर्च दिखा दो, मिर्च फूड मसालों में मज़ेदार। भाई ये दिक्कत तो होगी ना, थोड़ा इधर आ जाते हैं, चलो जाए। अच्छा भाई आते ही हमने दाल चावल स्टार्ट कर दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, बोरा फूड फेस्टिवल को और कवर करते हैं, और चीज़ें देखते हैं, और आगे क्या क्या मिल रहा है वो सब ट्राई करते हैं। चले आएँ। अच्छा भाई देखें, दाल चावल जो थे हमने अभी ट्राई किए, बड़े ज़बरदस्त से थे, और अभी और भी चीज़ें लगी हुई हैं। भाई क्या क्या है, आए मेरे साथ। हमारी कोई भी चीज़ ट्राई करें, पसंद नहीं आया पैसे नहीं लूँगा। सर बोरा फ्राइड चिकन है मेरे पास, मेरे पास गाखर है सर, इसको गाखर कहते हैं। खर गा माने आटा, खर माने सख्त। इसमें 7 मसाले मिक्स करते हैं, लाल मिर्चा, जीरा, हल्दी, नमक, काली मिर्ची मिक्स करते हैं, इसमें घी मिला के बनाते हैं। ये आटा पानी में नहीं गूंदा जाता, इसका आटा घी में बनता जाता है इसका, और इसको गाखर इसलिए कहते हैं। ये मैं दाल के साथ देता हूँ, दाल चावल के साथ देता हूँ, बोरा फ्राइड चिकन है, सिंगल अकेले में तो नहीं खाए जाते दाल के साथ। मैं खा रहा हूँ चिकन पीस, मैं सुना है ये यहाँ का अच्छा होता है, मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। एंजॉय कर रहे हो बोरा फूड में? जी जी बहुत अच्छा।
मैं अभी आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया आए जी। तुम क्या खा रहे हो अभी? तुम तो खा चुके हो अब तो। हाँ। मेरे लिए नहीं कुछ छोड़ा? हाँ छोड़ देंगे। हाँ ना कर देखिए बता रहा हूँ। हाँ 30 स्टॉल की है। अच्छा लग रहा है। हाँ क्या हुआ नासिर भाई, सेव खाने का मूड है क्या? बस यार ये अभी उठा के बस मैं दिखा रहा हूँ, खाने का मूड है। मुरमुरियाँ हैं भाई इसमें, बताएंगे आपको ये लोग। ये देखो भाई वाह। इसके अलावा भी भाई स्टॉल पे अभी और चीज़ आने वाली, चने देखें, गर्मा गर्म अभी भी भाप निकल रही है भाई इसमें। बहुत सारी चीज़ों की तरह गुल पापड़ी का स्टॉल भी हमारी एक बाजी ने लगाया हुआ, हमारी बहन ने लगाया हुआ है, तो उनसे भी डिटेल मालूम करते हैं कि असल चीज़ है क्या और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और क्या है क्या सारी चीज़ें, तो आए इनसे बात करते हैं। देखिए ये गुड़ पापड़ी रखी हुई है यहाँ पर, ये देखें मैडम यहाँ पे खड़ी मैडम, ये क्या है गुड़ पापड़ी थोड़ा बताएंगे? ये गुड़ पापड़ी हमें भोरियों की ना सिग्नेचर आइटम है। अच्छा। ये बादाम पिस्ता गूंद घी और आटे से बनती है ना। अच्छा। तो ये सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और हेल्दी है एक तरीके से ना, ये न्यूट्रिशन बाइट्स की तरह है और है ना ये शुगर वाले पेशेंट भी खा सकते हैं। हाँ बिकॉज इसके अंदर चीनी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। चीनी के बगैर बना हुआ है। बादाम पिस्ता गूंद घी आटा ये सबसे बना हुआ है। ये हमें कम्युनिटी की सिग्नेचर आइटम है। ये हाफ के जी जो है वो 1000 का है और पाव का जो है वो 500 का है। 250 ग्राम इज फॉर 500। ये देखिए साथ में रखा हुआ है थोड़ा, ये टेस्टर्स है। हाँ ये न्यूली मॉम्स के लिए तो बेस्ट है। हम ज्यादातर जो न्यूली मॉम्स होती है इसको फीड कराने वाली, हाँ उसको तो हम सबसे पहले यही देते हैं। नहीं इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, इसके नाम और सेल नंबर दोनों लिखा हुआ है। ये अम्मी बनाती है मेरी। अच्छा, अम्मी घर पे बनाती है। हाँ ये अम्मी बनाती है। थैंक यू। अच्छा ब्रदर क्या ये बना रहे हो, आइसक्रीम बना रहे हो? जी जी बिल्कुल, आइसक्रीम है चोकबार डिप है, मैगनम की तरह होती है ये हमारी। ठीक है ठीक है, तो आप स्टार्ट करें। काफी ठंडी हो रही थी देखिए भाई, आप तो बाहर मेरे ख्याल से डिप करेंगे ये चॉकलेट। जी देखें ये सब टॉपिंग सब चीजें हैं यहाँ पर। हाँ ये टॉपिंग्स होती है हमारी। ठीक है ठीक है, टॉपिंग सबसे पहले ये बाउंटीज है, इसके बाद ये स्प्रिंकल्स आ गए, ये व्हाइट चॉकलेट चिप, ये मैंने मतलब वनीला चिप, ये ब्लैक चॉकलेट चिप, ये थोड़ा सब मिक्सर है, सब मिक्सर है। अच्छा ना। और ये है वनीला कुकी ओरियो। अच्छा 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 अच्छा, सबको मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है सारा मिक्स हो गया, अब बारी आई डिप करने की। अच्छा अच्छा, ये आप चॉकलेट्स में पूरी डिप करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बनाने का अंदाज ही बड़ा जबरदस्त और यूनिक लगा भाई मुझे, क्या बात है। अच्छा ये कितने वाली है? ये 150 रुपीज़ वाली। ये 150 रुपीज़ वाली, ठीक है भाई बोरा में भाई आपने ये भी ट्राई करना है। अब ये आइसबर्ग पे हम पहुंचे हैं और हमने इनकी देखे भाई चॉकलेट्स में फुल हुई हुई है चॉक डिप। सही है भाई 150 की आइसक्रीम है, आप देख सकते हैं भाई इसमें काफ़ी बंटीज वगैरह लगी हुई है, तो ये भी ट्राई करते हैं साथ में। ये देखें भाई फुल मज़ेदार हो रही है भाई। इन फेस्टिवल्स में आने का ना मज़ा यही हो रहा है, घूमते रहो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहो, किसी एक चीज़ पर रुकने का दिल ही नहीं होता, तो ये भी बड़ी मज़े की हो रही है, ये ट्राई करते रहेंगे। अच्छा तो गाइज अब हम नीचे उतर रहे हैं, भोरा फूड फेस्टिवल में बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया, 23, 24, 25 तीन दिन अभी तक ये लगा हुआ है, तो अब चले हम नीचे उतर रहे हैं और यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।